नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पांच भारतीय कॉल सेंटरों पर अमेरिकियों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप। कंपनियों ने 300 मिलियन डॉलर की रकम ठगी। अहमदाबाद के कॉल सेंटरों का नेटवर्क शामिल। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भारत से सभी व्यापारिक संबंध खत्म करने की दी धमकी। कहा, माहौल नहीं सुधरा तो उठाएंगे सख्त कदम। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान के प्रदर्शन से डरी पाकिस्तान सरकार। पाक राजधानी इस्लामाबाद में 2 महीनों के लिए राजनीतिक गतिविधियों पर लगाई रोक। भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान ने प्रदर्शन करने का किया था ऐलान। इराक के मोसूल में आईएस के खिलाफ छिड़े अभियान में सेना ने 900 आतंकियों को किया ढेर। संयुक्त राष्ट्र ने की पुष्टि। 17 अक्टूबर को शुरू हुआ था सेना का अभियान। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व से आगे बढ़ने का किया फैसला। पार्टी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया सर्व प्रमुख नेता का दर्जा। पार्टी संस्थापक मोत्से तुंग की कतार में खड़े हुए शी जिनपिंग। केन्या में अमेरिकी दूतावास के बाहर शख्स को मारी गोली। मृतक सोमालियाई मूल का नागरिक। घटना की जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।